मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा वर्ग एक के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या पढ़ाई किया है आप लोगों ने? पढ़ाई के साथ साथ खेल भी किया है ना? हाँ, पढ़ाई भी करना जरूरी है, खेल भी करना जरूरी है, लेकिन अभी आउटडोर गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, घर में ही रहना है, इंडोर गेम खेलना है। ठीक है बच्चो, चलिए पढ़ाई किया जाए, अपनी अपनी हिंदी की रोली पुस्तिका को निकाल लिया जाए और पेंसिल, रबर, एक हिंदी की फेयर कॉपी, ये सभी लेके बैठेंगे। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? आ की मात्रा, आ की मात्रा लगाकर हमने शब्दों को बनाया था, उनसे जुड़ी कहानी। राजा बाजार गया, उसको भी मैंने समझाया था। राजा बाजार गया था, वहां से आम लाया था, बाजा लाया था, गाजर, अनार लाया था और भी बहुत सारी चीजें की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज पाठ खत्म हो गया था पिछली कक्षा में, आज हमें उसका अभ्यास बनाना है, प्रश्न है उनके उत्तर को समझना है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, उनके उत्तरों को यहाँ बताया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने यहाँ लिखा है उसको आप लोग अपनी अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखेंगे। फिर जब स्कूल खुलेगी तो हम इसका रिवीजन करवाएंगे और दोहराएंगे और पूछेंगे कि किस बच्चे ने याद किया है, किस बच्चे ने नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, पाठ सभी को याद है ना? बिल्कुल, पढ़ाई जो भी होती है उसका रिवीजन घर में करना है, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और पढ़ाई हो गई। समझिए कि हम लोग स्कूल में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से घर के होमवर्क जो मैं देती थी आप लोग बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को शाम में फिर बैठ के होमवर्क को अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए प्रश्न एक है, राजा कहाँ गया। पाठ में पहला ही लाइन हम लोग ने पढ़ा था, क्या कहा था? राजा बाजार गया। यहाँ है उसका उत्तर, राजा बाजार गया। राजा कहाँ गया? राजा बाजार गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, राजा बाजार से क्या क्या लाया। राजा तो बहुत सारी चीजें लाए थे बाजार से, आप लोगों को याद है? यहाँ देखिए ध्यान से, राजा बाजार से आम, बाजा, अनार तथा गाजर का हलवा लाया। जब हम तीन से चार चीजें एक साथ लिखते हैं तो जो अंतिम चीजें होती है उसके आगे में तथा लगा देते हैं, बाकी सब में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, राजा बाजार से आम, बाजा, अनार तथा गाजर का हलवा लाया। अनार कैसे थे? अनार खट्टे थे, मीठे थे, लाल थे, पीले थे, कैसे थे? अनार लाल थे। अनार कैसे थे? अनार लाल थे। राजा ने क्या खाया? राजा ने गाजर का हलवा खाया। राजा ने क्या खाया? राजा ने गाजर का हलवा खाया। समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, राजा कहाँ गया? राजा बाजार गया। राजा बाजार से क्या क्या लाया? राजा बाजार से आम, बाजा, अनार और गाजर का हलवा लाया। अनार कैसे थे? अनार लाल थे। राजा ने क्या खाया? राजा ने गाजर का हलवा खाया। ठीक है, स्पष्ट है बच्चों? इसको अपने फेयर कॉपी में बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारा, बोल कर लिखो। पिछले अभ्यास में भी मैंने इस प्रश्न को कराया था, बोल कर लिखो है, जिसको हम यहाँ देख लेते हैं। इसमें डॉट दिया हुआ है और उसको साथ में उगाना है, जैसे ये डॉट बना हुआ है। तो हम साथ में डॉट को मिलाते हुए उगा लेंगे और बोलेंगे भी। तो में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, क्या हो गया हमारा?
काला, इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है काला बादल छा गया। इसको आप लोग इस तरह से ये डॉट को मिलाते हुए, जैसा मैंने बताया है, डॉट को मिलाएंगे और लिखेंगे काला बादल छा गया। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न संख्या तीन पे हम जाते हैं। प्रश्न संख्या तीन है चित्रों को उसके नाम से मिलाओ। यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। प्रश्न तीन, ये प्रश्न चार, अभी तीन की चर्चा कर लिया। यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और यहाँ कुछ नाम भी लिखे हुए हैं। हमें मिलाना है कि कौन सा चित्र कौन से नाम से मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है? गाजर, माला, छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता, बाजा, क में आ की मात्रा पा, ना, पान। पान जानते हैं आप लोग, पान की पत्ती, हरी हरी पत्तियां होती है, बहुत लोग पान खाते हैं, है ना। नाव में आ की मात्रा नाव, नाव, नाव पानी में चलता है नाव। चलिए अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये क्या है? पान का पत्ता है। क्या है? पान। इसको हम लोग इसे इधर मिलाएंगे, पान। ठीक है, ये क्या है? गाजर। गाजर कहाँ लिखा हुआ है? सबसे ऊपर, गाजर। ये क्या है? छाता। छाते का प्रयोग हम लोग गर्मी में भी करते हैं धूप से बचने के लिए, और बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में, बारिश से बचने के लिए। छाता कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, छाता। ये क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या है? नाव। नाव, नाव को नाव से मिला देंगे। बाजा, बच्चे लोग मेलों से क्या खरीदते हैं? बाजा। यहाँ बाजा हो गया। और ये क्या है? माला। ये तो लड़कियों को बहुत पसंद है माला, ये मिल गया हमारा माला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिलान हो गया। पान, गाजर, छाता, ये हो गया बाजा, ये हो गया नाव, और ये हो गया माला। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग अपने अपने बुक में पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, अब चौथा प्रश्न हमारा, चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ चित्र है, चित्रों के नाम को पूरा करना है। अगर आप लोग इसको कॉपी में बनाना चाहेंगे तो कॉपी में भी बना सकते हैं। सुंदर से पान, गाजर, छाता, नाव, बाजा और माला का चित्र बना लेंगे। बच्चे लोग को चित्र बनाना पसंद है, अच्छे लगता है, तो चित्र बनाएंगे, उसको हल्का कलर भी कर सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है बीच में नाम लिख के मिला लेंगे। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ किताब में भी आप लोग देखेंगे, ये क्या है? टमाटर। टमाटर को कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ ट लिखा हुआ है, फिर खाली स्थान है, फिर ट है और र है, तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, टमाटर। तो म में आ की मात्रा लिख देंगे, हो गया हमारा टमाटर। समझ में आया? टमाटर, टमाटर। ये क्या है? ताला का ला लिखा हुआ है। ताला में सिर्फ ला लिखा हुआ है, हमको आगे का सब को पता लगाना, अक्षर को यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा और उसमें कौन सी मात्रा लगेगी। यहाँ लिखेंगे हम ट में आ की मात्रा, ताला। हो गया ताला। ये क्या है? ये तो हलवा लग रहा है। हलवा में आ की मात्रा, हलवा। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा? ये अचार है। अ छ में आ की मात्रा, अचार। इसको भी हम लोग बुक में बना लेते हैं। ठीक है, तो म यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर हम लोग ने म में आ की मात्रा मा लगा दिया। टमाटर, ताला, ह, ल, व, अचार। अचार,
ये आप लोगों का एक दो तीन चार प्रश्न बन रहा है। पांचवा प्रश्न है यहाँ, नाम पूरे करो और रंग भरो। इसको आप लोग अपनी अपनी किताब में बनाएंगे। ये आप लोगों का गृह कार्य हो गया है। और यहाँ जो भी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखा है, इन सभी उत्तरों को फेयर कॉपी में लिखेंगे आप लोग बिल्कुल साफ से। यही आप लोगों का आज का गृह कार्य है। अब इसको अगले क्लास में हम लोग रिविजन करते हुए फिर आगे के पार्ट में जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।